Hello friends, welcome to this video. This is Raj from BA to Care. This video is going to be very important if you are looking for a coaching class for Maharashtra CET Law. We all know, top colleges mein jaane ke liye hume kafi sara mehnat karna hota hai and we need a good coaching classes. Fine. So in this video, we are going to discuss on 15 must check things jo hume check karna chahiye jab hum kisi coaching classes mein join karne ka soch rahe hain to. सबसे पहले मैं बात करता हूँ सबसे बड़ी जो मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं सबसे पहला जो सवाल वो पूछते हैं क्लासेस से कि फीस कितना है तो इसमें क्या हो जाता है काफी सारे स्टूडेंट्स का जो डिसीजन होता है यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का ऐसा लगता है कि जिसकी सबसे कम फीस है वो क्लासेस सबसे अच्छा है या फिर किसी के मन में ये भी आ जाता है कि जिसकी फीस सबसे ज्यादा है वो शायद अच्छा है ठीक है तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक पॉइंट होता है ये आपको कैसे अवॉइड करना है बेसिकली कैसे आपको वो जो 15 चीजें जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो आपको देखना है वो आपको कोचिंग क्लासेस से सवाल पूछना है उसके बाद ही आप डिसीजन ले लीजिएगा क्यों ऐसा गलत डिसीजन होता है स्टूडेंट से क्योंकि उनको लगता है कि जो सेम चीज है जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक स्क्रीन पे आपको दिखाया iPhone 13 अब हमें लगता है कि ये क्लास ए के पास भी सेम चीज होगी बी के पास भी सेम चीज है सी के पास भी सेम चीज है तो हमें सिर्फ जहाँ पे सबसे कम प्राइस में मिला वो चीज हमें ले लेना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो चीज है ये प्रोडक्ट है पर हमें जो चाहिए वो सर्विसेज चाहिए क्या क्या चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड है ठीक है तो जो बच्चे फीस भर देते हैं हमने काफी सारे जगहों पर देखा है काफी सारे हमने टाइम पे देखा है कि बच्चे दूसरे क्लास में एडमिशन लिए रहते हैं पर दे आर नॉट हैप्पी वो हमारे यहाँ पे भी ज्वाइन किए हुए ठीक है एक जगह पे पैसे भर दिए थे फिर दूसरी बार एक अच्छा क्लास की तलाश में वो हमारे यहाँ पे आए हैं तो क्या होता है कि इसमें आपके पैसे भी जाते हैं समय भी जाते हैं राइट तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्या वो 15 पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है सो लेट मी स्टार्ट सबसे पहले आप मुझे बताइए जब आप महाराष्ट्र सीईटी लॉ के लिए कोचिंग देख रहे हो तो आप क्या चाहते हो बैच में सारे बच्चे जो हैं वो एग्जाम स्पेसिफिक हो सारे बच्चे उसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ऐसा चाहते हो कि एक बगल में बच्चा एमबीए का हो फिर एमसीए का बीएड का बीबीए का यूपीएससी और बैंक पीओ का आपको क्या इसमें से पसंद होगा राइट डेफिनेटली आप चाहोगे कि सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आप ही के एग्जाम के लिए हों ताकि जो सिलेबस हो टीचर अच्छी तरीके से पढ़ा पाए एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट दे सके एग्जाम स्पेसिफिक डिस्कशन क्लास में तो जब भी आप किसी क्लास को देख रहे हो या आप सर्च कर रहे हो डेफिनेटली आपको सबसे पहले ये पूछना है कि जो बैच होगी ये क्या एग्जाम स्पेसिफिक बैच है या फिर इसके अंदर मिक्स स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ अगर स्टूडेंट मिक्स होंगे आपका अच्छी तरीके से कोचिंग वहां पर नहीं होगा ठीक है सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है क्या नया बैच आपको मिल रहा है ठीक है क्यों क्योंकि हम सबको पता है आप नए तरीके से जब स्टार्ट करते हो पूरा फ्रेश होता है सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आती है बट मार्केट में क्या होता है कुछ कोचिंग क्लासेस ऐसे होते हैं जहां पे आप जब उनको पूछते हो कि बैच कब स्टार्ट होगा तो वो कहते हैं या तो मंडे से या संडे से या फिर जो भी उनका कुछ लकी डे होगा ठीक है बट जब आप क्लास में ज्वाइन कर लेते हो तब आपको पता चलता है कि ये बैच तो 3-4 महीने पुरानी थी ठीक है बट आपको प्रॉमिस किया जाता है कि हम आपको सिलेबस खत्म कर देंगे पर होता क्या है कि जिस स्पीड से बैच चलनी चाहिए वैसा नहीं होता क्योंकि आपको एक्स्ट्रा लेक्चर दे के हो सकता है 10-15 दिन के अंदर ही आपका जो सिलेबस हो उसको फटाफट खत्म कर दिया जाए ठीक है तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल आपको कोचिंग क्लासेस से पूछना कि नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है या फिर ये बैच कब से स्टार्ट हुई थी ठीक है अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ विच इज पॉइंट नंबर 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ बैच हम सबको पता है जितने कम स्टूडेंट्स होंगे उतना ज्यादा अटेंशन होता है टीचर का तो हमारे यहाँ पे जो बैचेस होते हैं वो 15-20 स्टूडेंट्स का होता है इन क्लासरूम उससे ज्यादा क्लासरूम में हमने जगह ही नहीं रखी है तो उससे ज्यादा हम बिठा ही नहीं सकते एंड जो ऑनलाइन होता है वहाँ पे हम 20 के करीब हम स्टूडेंट्स लेते हैं तो आपको ये भी ध्यान देना है कि एक तो बैच मिक्स ना हो बैच नया हो एंड बैच में नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो काफी लिमिटेड है ठीक है पॉइंट नंबर 4 जो हमें चेक करना है स्टडी मटेरियल लास्ट ईयर एक स्टूडेंट थी जिसने फोन किया था कि सर आपका फीस थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है दूसरा क्लासेस कम पैसे में पढ़ा रहा है हमने कहा ये बेस्ट प्राइस है जो हम दे सकते हैं उसने वहां पे ज्वाइन करने के बाद 2 दिन के बाद उसका फोन आया उसने पूछा सर आपका स्टडी मटेरियल आप कैसे देते हो हमने कहा हार्ड कॉपी देते हैं कुरियर करते हैं कुरियर का अलग से पैसे नहीं लेते उसने कहा सर जो क्लास सस्ता दे रहा था वो स्टडी मटेरियल सिर्फ पीडीएफ भेजता है तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हमेशा चेक करना है कि जो आपके पास स्टडी मटेरियल है वो हार्ड कॉपी में क्लासेस वाला दे रहा है या फिर सॉफ्ट कॉपी में दे रहा है कितनी क्वांटिटी है बुक की नंबर ऑफ पेजेस कितने क्योंकि हो सकता है कोई 10 पेज के अंदर ही बुक खत्म कर दे ठीक है तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है नेक्स्ट क्लासेस का आपको रिजल्ट्स चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप
क्लासेस ज्वाइन ही इसलिए कर रहे हो ताकि आपका अच्छा स्कोर आ जाए, अच्छा रिजल्ट आ जाए, आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ, राइट। तो हमारा जो रिजल्ट है, लास्ट ईयर 100+ सिलेक्शन हुए जीएलसी और आईएलएस में 2022 एंड 2023 मिला के। एंड ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो पेड स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे यहाँ पे पेड कोर्स है, चाहे वो क्लासरूम था, चाहे ऑनलाइन था, चाहे लाइव लेक्चर्स लिए होंगे, चाहे टेस्ट पैकेज लिए होंगे। एंड इसमें से 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स का जो इंटरव्यूज है वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। तो आपको हमेशा चेक करना है कि क्लासेस का रिजल्ट क्या रहा है, क्लासेस का रिव्यूज क्या है, वीडियोज हैं कि नहीं उनके टॉपर्स के साथ, ठीक है। काफी सारे क्लासेस यहाँ पे क्या करते हैं, वो आपको अपने टॉपर्स दिखाएंगे। अपने टॉपर्स मतलब लेट्स से मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 में से किसने टॉप किया वो दिखाएंगे, ठीक है। इससे आपको हमेशा बच के रहना है। एंड कुछ क्लासेस ये भी करते हैं कि वो सिर्फ फोटोज दिखाते हैं कि हमारे ये टॉपर्स हैं, तो 10 फोटोज होगा, वो किसी भी बच्चे का हो सकता है, हो सकता है आज ही किसी ने एडमिशन लिया उसी का भी फोटो हो। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको देख के आगे बढ़ना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, रिव्यूज आपको चेक करना है कि जो ओल्ड जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। तो आपको गूगल के जो पेजेस हैं उनके, वहाँ पे आपको चेक करना है। ऐप है, जैसे हमारा ऐप है, आप उस पर चेक कर सकते हो। हमारा गूगल पे घाटकोपर में का पेज है, दादर का पेज है, डोमीवली का पेज है, अब उस पर रिव्यूज आप चेक कर सकते हो। एंड बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे जस्ट डायल हो गया, सुलेखा.com है, वहाँ पे भी आप जाके हमारा रिव्यूज चेक कर सकते हो। इसी प्रकार से जब आप क्लासेस देख रहे हो, जो भी क्लासेस आपने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है उसका भी आपको रिव्यूज चेक करना है। एक और चीज़ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा किसी क्लास का अच्छा रिव्यूज़ है तो वो ओरिजिनल ही होगा। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि जो रिव्यू है वो ओरिजिनल है या फिर फेक है, कैसे पता करें? तो मैं आपको बता देता हूँ, उसको पता करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक, जब आप पढ़ना चालू करेंगे रिव्यूज, तो उसमें क्या होता है ना, काफ़ी सारे जगहों पर आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े चीज़ों में लिखी हुई है चीज़ें, और उसके अंदर कीवर्ड्स यूज किए गए, जैसे कि बेस्ट क्लासेस फॉर MSCET, बेस्ट क्लासेस फॉर लॉ एंट्रेंस। वो अगर वैसे कीवर्ड ज्यादा यूज किए, समझ जाओ कि इसमें कुछ मिस्टेक है। प्लस अगर आपको ये भी पता करना है, जैसे एक ही दिन में या एक ही हफ्ते में आप देखोगे कि 100 से ज्यादा लोगों ने रिव्यू डाल दिया है, तो समझ जाना कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो इस प्रकार के रिव्यू से आपको बच के रहना है, फाइन। पॉइंट नंबर 7, मेंटर या फिर आपको गाइडेंस देने वाले हैं क्या, सपोर्ट देने वाले हैं क्या, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एज ए सेट अगर क्लासेस कोई मिक्स में ही कर दे रहे हैं, सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, तो मेंटरशिप तो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि टीचर को हमेशा डर रहेगा कि मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि ये बैच कौन सा है। आपको पता ही नहीं वो बैच है कौन सा, आपने ज्वाइन तो महाराष्ट्र सीईटी लॉ के लिए किया, पर हो सकता है बगल में बच्चा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, MBA के लिए हो, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सपोर्ट, क्योंकि उसके हिसाब से आपको टीचर्स चाहिए, वो यहाँ पे मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये पॉइंट भी आपको हमेशा चेक करते रहना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, नंबर ऑफ लेक्चर्स पर वीक। अब कैसे होता है, आपने कोई क्लासेस ज्वाइन कर लिया, शायद उसकी फीस कम थी, बट बाद में आपको मालूम पड़ता है ये तो हफ्ते में सिर्फ एक ही क्लास कर रहे हैं, या फिर दो ही कर रहे हैं, या फिर मैक्सिमम तीन ही क्लास कर रहे हैं। पर आपको पता है तीन क्लास करने से, दो क्लास करने से आपका सिलेबस टाइम पे खत्म होगा नहीं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये चेक करना है कि नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हो रहे हैं एक हफ्ते में। आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप पैसे लगा रहे हो, आपको पूरा पता चलना चाहिए नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हो रहे हैं, कितना दिन तक ये बैच चलेगा, रिविजन लेक्चर्स के अंदर इंक्लूड है कि नहीं है, ये सारी चीजें आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, जो कोर्स है या फिर जो रिकॉर्डिंग है उसकी वैलिडिटी कब तक है। तो हमारे यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग्स होती है, हर एक लाइव क्लास, जो ऑनलाइन लाइव क्लास होती है, सब रिकॉर्ड होती है, और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलती है एग्जाम डेट तक। एग्जाम डेट तक आप उसको कितने बार भी आप देख सकते हो, तो ये आपको हमेशा चेक करना है। क्योंकि वी ऑल नो कुछ क्लासेस हैं जो रिकॉर्डिंग या तो देंगे ही नहीं, या फिर आपको सिर्फ कुछ दिनों के लिए रिकॉर्डिंग देंगे कि सिर्फ 2-3 दिन आपको देख लेना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको रिकॉर्डिंग एग्जाम डेट तक रखें, आप जितने मर्जी है उतने बार आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। सेकेंड, जो नेक्स्ट पॉइंट है, दिस पॉइंट नंबर 10, क्वालिफाइड टीचर्स। अब देखिए क्या होता है, अब डेफिनेटली आपको मालूम है, आप कहीं पे भी इंक्वायरी करोगे तो सब यही बोलेंगे कि सब अच्छे टीचर्स हैं। यस, वी ऑल नो सब अच्छे टीचर्स हैं, बट आपका भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है चेक करना कि क्वालिफिकेशन क्या है टीचर्स का, कितना एक्सपीरियंस है, कितने सारे रिजल्ट दिए हैं, ठीक है। तो ये चेक करना आपको बड़ा जरूरी है, और आप सिर्फ एक दो नाम पे मत जाइएगा। काफी सारे लोग सिर्फ एक ही नाम को प्रमोट करते हैं, उससे आपको बच के रहना है। या फिर आपको जितने सब्जेक्ट्स है, जैसे हमें MSCET लॉ में 3 ईयर्स का जो है उसमें 4 सब्जेक्ट्स है, 5 ईयर्स में 5 सब्जेक्ट्स है, आपको चेक करना है कि जो टीचर्स का प्रोफाइल है। जैसे काफी जगहों पे हमने ये भी देखा है कि जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं जो शायद फर्स्ट ईयर में होंगे, वो जाके लेक्चर्स ले रहे हैं। वो चीजें से आपके बच बच के रहना है। आपको देखना है कि जो लीगल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं कि नहीं है, LLB किए हुए कि नहीं हो, नहीं किए हुए। इसी प्रकार से बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, क्या वो टीचर्स ने कभी एग्जाम क्लियर किया है कि नहीं किया, वो सारी चीजें आपको हमेशा यहाँ पे चेक करके चलना है।
नेक्स्ट पॉइंट फी रिसीव, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी ऑल नो जो क्लास है ये कंपनी है, जो कोचिंग क्लास होता है ये कंपनी होता है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप पेमेंट कर रहे हो तो कंपनी के अकाउंट में ही कर रहे हो, क्लास का जो अकाउंट है उसी में आप पेमेंट कर रहे हो, ना ही किसी इंडिविजुअल अकाउंट में, ठीक है? क्योंकि ओरिजिनल जो फी रिसीट होगी जो या जो आपका इन्वॉइस है यही आपका ओरिजिनल प्रूफ है एडमिशन का। अगर आपके पास फी इन्वॉइस नहीं है, रिसीट नहीं है, मान लीजिए कल को किसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम हो गया, अब आप कहीं पे क्लेम ही नहीं कर सकते हो कि आप इस क्लास के स्टूडेंट हो, क्योंकि आपने तो पर्सनल अकाउंट में पे किया था, राइट? एंड पर्सनल अकाउंट में आपने किस रीजन से पे किया था वो आपको पता नहीं, ना ही आप उसको प्रूव कर पाओगे। तो हमेशा आप मेक श्योर करिएगा जो भी क्लासेस आप जा रहे हो वहां पे आपको चेक करना है कि आप जो पेमेंट कर रहे हो वो कंपनी के अकाउंट में ही पे कर रहे हो, ठीक है? हमारे यहाँ पे जितनी भी आपको फी रिसीट दिखेगी सब जीएसटी इनवॉइस है, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो जो करंट अफेयर सब्जेक्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करते हैं डेली के जो पांच इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हमें लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम इमेज फॉर्मेट में बनाते हैं, जो पूरा एक कंपाइल करते हैं मंथली, हम उसको बोलते हैं मंथली न्यूज ई हाईलाइटर, ठीक है? ये हम आपको देते हैं, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सी इट इज वेरी इजी टू से कि आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, डेफिनेटली हम भी कहते हैं आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, पर अगर हम कुछ एक्स्ट्रा हाईलाइट करके आपको दे दें तो जिससे आपका डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट असिस्टेंस ड्यूरिंग कैपराउंड, अब देखिए क्या होता है, हमने कोचिंग कर ली और उसके बाद जब एडमिशन प्रोसेस चालू होता है ये 2.5 से 3 महीना चलता है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो काफी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता करके वो किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, या फिर मैं ये कहूँ उससे अच्छा कॉलेज उनको मिल सकता था, उनको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी और एक गाइडेंस चाहिए था, वो नहीं मिल पाता, बट यहाँ पे बी एड केयर में वी हेल्प स्टूडेंट्स टिल सेलेक्शन एंड वी असिस्ट देम प्रॉपरली ड्यूरिंग द कैप राउंड। हमारा यूट्यूब चैनल पर आप देखोगे तो हर एक छोटे से स्टेप होता है, जो प्रोसेस होता है उस पर आपको वीडियोज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? टेस्ट पोर्टल, जब आप महाराष्ट्र सीईटी लॉ के लिए आप इस एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हो तो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए हम क्या करते हैं, आपको एग्जाम लाइक टेस्ट पोर्टल देते हैं जिसमें जो नंबर ऑफ टॉपिक वाइज टेस्ट है वो 300 से ज्यादा है, तो उतना आप टॉपिक वाइज टेस्ट आप प्रैक्टिस करोगे। वीकली करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है, 15 मॉक टेस्ट हम देते हैं महाराष्ट्र सीईटी लॉ स्पेसिफिक 2024 के लिए, ठीक है? एंड जो इसका एक्सेस का वैलिडिटी है वो एग्जाम के डेट तक है, ठीक है? तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन इट कम्स टू टेस्ट पोर्टल। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिफंड पॉलिसी, देखिए क्या, वी आर रनिंग अ कोचिंग क्लास तो हमारा एक रिफंड पॉलिसी होना चाहिए, तो वी हैव अ रिफंड पॉलिसी, इसको आप हमारे वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। बेसिकली मैं ये भी बता रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए आपने पहला क्लास अटेंड किया और किसी रीजन से आपको चीजें अच्छी नहीं लगी, ठीक है? तो यस वी हैव अ रिफंड पॉलिसी, हमारा एक जो रिफंड पॉलिसी उसके हिसाब से वी ऑफर रिफंड्स, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ कोचिंग क्लास, ठीक है? तो ये रहे 15 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट थे, ये पॉइंट देखने के बाद ही आप किसी न किसी कोचिंग क्लासेस में ज्वाइन करिएगा, हमारे पास रिजल्ट्स हैं, ये जो 15 पॉइंट्स मैंने बताया, ठीक है? हम सब पे अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है हमारे कोर्स को लेकर, आप हमारे ये जो दिए हुए नंबर्स हैं इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड टू ज्वाइन अवर कोर्सेज, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के कोर्सेज है वो हमारे ऐप के अंदर है, आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लासरूम कोचिंग के लिए वी हैव 3 सेंटर्स इन मुंबई, डोंबिवली, घाटकोपर, दादर, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, ये यहाँ का नंबर है, आप इस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हो। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन लाइव बैचेस, ओके, नए बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। फाइन, सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड टू अवर चैनल, विश ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई बिलीव दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।